गुरुवार को अपर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग के कर्मचारी संघ आगरा के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर सिंह के द्वारा सौंपा गया। ज्ञापन में नगर निगम आगरा के सफाई कर्मचारियों एवं सफाई नायक को आतंकी कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने की अपील की गई है। गुरुवार को अपर नगर आयुक्त को नगर आयुक्त के नाम एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ आगरा के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर सिंह के द्वारा सौंपा गया। ज्ञापन में नगर निगम आगरा के सफाई कर्मचारियों एवं सफाई नायक को आतंकी कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने की अपील की गई है। साथ ही सफाई कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों एवं मांगों को लेकर भी ज्ञापन के माध्यम से नगर आयुक्त को समस्याओं से अवगत कराया गया है। अभी बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों को, अधिकारियों को और सफाई नायकों को आगरा की महापौर के सामने कुछ पार्षदों के द्वारा, जो कि सत्ताधारी पार्टी के पार्षद हैं, उनके द्वारा इतना अपमानित किया गया है कि आतंकी शब्द बोला गया है। जबकि इन्हीं सफाई कर्मचारियों के दम पर, इन्हीं अधिकारियों के दम पर, इन्हीं सफाई नायकों के दम पर हम लोग स्मार्ट सिटी में नंबर वन आए थे। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी हम लोग रात दिन मेहनत किया। जब ये लोग अपने घरों पर दुबके हुए थे, जब हमारे सफाई कर्मचारी लोग मेहनत कर रहे थे, आज इनको इतना कहते में इतनी भी शर्म नहीं आई। हमें तो सबसे ज्यादा गुस्सा आगरा की महापौर पर है कि आखिर वो मुख दर्शक बनके क्यों देखती रही। सिकंदर सिंह का कहना है कि आगरा नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा रात दिन पसीना बहाने वाले हमारे सफाई कर्मचारियों और सफाई नायकों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से बजट सत्र के दौरान सदन जैसे पवित्र स्थान पर मीडिया के सामने सफाई मित्रों, सफाई नायकों और अधिकारियों को आतंकी कहकर अपमानित किया गया है, जो कि एक गंभीर विषय है, जिसे हमारा संगठन उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, विशेष पर्वों पर अंगवस्त्र देते हैं, सह भोज करते हैं, लेकिन उनकी आगरा की महापौर उनकी पूरे तरीके से पलीता लगाने में लगी हुई है। लेकिन कथनी करनी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि कैमरे के सामने इनका अहंकार दिखाई दे रहा है। इन्होंने इतने अहंकार में आकर के इन्होंने ये नहीं देखा कि सफाई कर्मचारी सबसे निचले तबके पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको इस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल करना, ये इनकी ओछी सोच का ही नतीजा है। कर्मचारियों का अगला कदम ये होगा, बहुत सारी उसमें मांगे भी हैं, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सबसे पहले तो हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आज हमने मांग पत्र दिया है, अगर अधिकारी हमारा साथ नहीं देते हैं तो फिर अधिकारियों को भी ऑफिस में बैठने नहीं दिया जाएगा, और पार्षदों ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो नगर निगम के अंदर तालाबंदी होगी, काम ठप होगा। सिकंदर वाल्मीकि का कहना है कि हमारा शहर इन्हीं सफाई कर्मचारियों की मेहनत एवं अथक प्रयास से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रथम स्थान पाने में सफल रहा था। साथ ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जान जोखिम में डालकर शहर को स्वच्छ रखने का काम किया। ज्ञात रहे कि वर्तमान सरकार द्वारा देश में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए जिन सफाई कर्मचारियों को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सफाई मित्र का नाम दिया गया, बावजूद इसके यहाँ सफाई कर्मचारियों को अपमानित किया जा रहा है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। जलकल विभाग कर्मचारी संघ की तरफ से सिकंदर जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आया था और इन्होंने कुल 7 सूत्री एक ज्ञापन दिया है, जो कि माननीय महापौर जी और नगर आयुक्त महोदय को संबोधित है। तो मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि इनका जो भी डिमांड है, मैं माननीय महापौर जी और माननीय नगर आयुक्त महोदय को मैं सूचित कर दूँगा। इसके नगर निगम में अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के दौरान सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं से भी अपर नगर आयुक्त को अवगत कराते हुए साप्ताहिक अवकाश एवं ठेकेदारी प्रथा खत्म करने जैसी मांगें भी अधिकारियों के समक्ष रखी गईं। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।